स्टूडेंट बेटा, इस लॉकडाउन में आप सभी लोग घर पे बैठे हुए हैं और एक जगह बैठे रहने से कॉन्टिन्यूअस चेयर पे बैठ के आप स्टडी कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है आपका, तो नो डाउट बेटा घर पे बैठे बैठे कुर्सी पे काफी टाइम तक बैठे बैठे बॉडी में पेन या थकान जैसा आप फील करने लगते होंगे, या फिर आपको लगता होगा लेजीनेस महसूस होने लगता होगा, या फिर आप थोड़ा लगा ऐसा मौसम ऐसा चल रहा है कि बेटा आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको फीवर हो गया है, आपको बहुत थकान हो गई है, या पढ़ते पढ़ते आपको बहुत इरिटेशन सा लगने लगता है, चिड़चिड़ापन सा आपको लगने लगता है बेटा, तो उसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ कुछ बेस्ट एक्सरसाइज। मैं आपको बताऊंगा कि इस लॉकडाउन में भी स्पेशली माय स्टूडेंट्स, दिस इज ओनली फॉर यू। सूरी सर, आज तक आप लोगों ने सूरी सर को केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, लेकिन मैं बेटा आपके लिए लेकर आ रहा हूं सम एक्सरसाइजेस जो आपकी बॉडी को फिट करेगा। और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर दर्द होना, बॉडी में पेन होना, या एक जगह बैठे बैठे कमर में दर्द होना, या फिर कॉन्टिन्यूस स्टडी करने की वजह से बैक साइड में पेन होने लगना, इन सभी के लिए मैं आपको बेटा 15 मिनट के कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा। और प्लीज़ बेटा आप लोग ट्राई करिएगा ये सारी एक्सरसाइज। बेटा कोई बहुत हार्ड नहीं है, अक्सर आप लोग यूट्यूब पे हर जगह आप लोग देखते रहते होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं बताने वाला हूँ बेटा। इससे ये नहीं कि आपको मसल बिल्डअप करना है, आपके बॉडी को फ्री रखने के लिए, आपके माइंड को फ्री रखने के लिए आप लोग बिल्कुल एकदम अपनी लेजीनेस दूर कर लें, इसके लिए मैं बताता हूँ। और जो भी एक्सरसाइज मैं बताऊंगा बेटा, बेटा मेरी बॉडी थोड़ी सी बल्की है और अगर थोड़ा बहुत उसको करने में ना हो पाए तो प्लीज़ बेटा उसको बहुत ज़्यादा आप लोग एज इट इज मत लीजिएगा, बट आई एम गोइंग टू टेल सम एक्सरसाइजेस विच इज़ हेल्पफुल फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर स्टडी। सो प्लीज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपकी एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट आप इसको करिए। और 15 मिनट बेटा अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी बॉडी पूरे डे पूरा दिन भर फिर बहुत फिट रहेगी। और आप बेटा इस एक्सरसाइज को करने के बाद बहुत अच्छा महसूस करेंगे, पूरा दिन आपका जो एकदम बॉडी में रिलैक्स फील होगा, पढ़ने में अच्छा मन लगेगा, या फिर इवनिंग में जब आप पढ़ते पढ़ते बहुत थक जाते हैं तो शाम को 5-6 बजे। बस ये ध्यान रखिएगा बेटा कि जब भी हम एक्सरसाइज करें तो थोड़ा सा जो दैनिक नित्यक्रम होता है उसको करने के बाद थोड़ा सा सुबह अपना जाते हैं फ्रेश होने के बाद ये सब एक्सरसाइजेस करें। शाम को अगर आपने कुछ खा रखा है तो उस समय बेटा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। जो भी एक्सरसाइज होती है हमारी 2 घंटे पहले होनी चाहिए। और पेट में बेटा कुछ बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड खा करके या ऐसे गरिष्ठ भोजन करके एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और जल्दी बैठे होने की वजह से बेटा मैक्सिमम आजकल हम लोगों को गैस की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, ये सारी चीज़ें फील होती हैं। तो मैं कुछ छोटे मोटे टिप्स आपको बताने वाला हूँ बेटा, और अगर बेटा आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करो तो मैं भी हो सकता है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, देखिए नॉर्मल एक्सरसाइज सबसे पहले हम लोग बेटा जंप स्टार्ट करते हैं। जंप करना है बेटा आप अपने अकॉर्डिंग जंप कर सकते हैं, और कितनी बार करना है ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि बेटा बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज कर लीजिए और फिर जो है आप इतने थक जाओ कि पढ़ ना पाओ। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, लेकिन एक्सरसाइज करते समय आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पियेंगे, थोड़ा बहुत पानी पीना है। अगर बहुत ज़रूरत लगती है तो फैन वगैरह थोड़ा सा कोशिश करिए ऑफ करके, एसी वगैरह सब ऑफ कर लीजिए। और देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग जंप एक्सरसाइज शुरू करेंगे लाइक दिस। जंप जंप जितना आप कर सकते हैं बेटा इसको, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जंप। बेटा जंपिंग के बाद फिर हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज पीटी पे आते हैं। नॉर्मली यू कैन डू दिस लाइक दिस।
ये बेटा आपके अकॉर्डिंग जितना आप कर सकते हैं, बट एक्सरसाइजेस बेटा कंटिन्यूअस करिएगा। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करते करते आप बैठ जाएं, 20 हो जाए, फिर बेटा आप यू कर सकते हैं लाइक दिस। दिस इज फॉर योर फ्रीनेस बेटा, बॉडी को फ्री करते हैं हम लोग। अगेन लाइक दिस, दिस इज क्लॉकवाइज। अगेन बेटा एंटी क्लॉकवाइज, फिर अगेन बेटा दिस रिस्ट मूवमेंट। दिन में बेटा आपके रिस्ट मूव करते रहते हैं, सो नीड टू मूव लाइक एंटी क्लॉकवाइज, देन अगेन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन अगेन बेटा लाइक दिस, 1 2 3 क्लॉक, देन एंटी क्लॉकवाइज। फर्दर बेटा जस्ट अब हम लोग थोड़ा सा हेड के लिए करेंगे बेटा मूवमेंट, हेड मूवमेंट। जस्ट फिक्स योर बॉडी एंड मूव क्लॉकवाइज। फाइव टाइम, 10 टाइम क्लॉकवाइज, देन अगेन एंटी क्लॉकवाइज। इससे बेटा आपका हेड जो है ना बड़ा फ्री महसूस होगा। फिर कुछ लोगों को होता है बेटा गर्दन में दर्द होती है, या फिर कभी कभी आप लोग देखते हैं बेटा कि पता चलता है गर्दन में दर्द हो रही है या थोड़ी सी बैक में पेन होती है। तो जनरली ये जो एक्सरसाइज है बेटा उन लोगों के लिए जिसको इस तरह यहाँ पे प्रॉब्लम्स जनरली होती हैं बेटा, उन लोगों के लिए जैसे उसमें करना क्या है बेटा, आप यहाँ पर जो है बेटा हैंड रखिए और इस हाथ को इधर और सर को उधर दबाना है लाइक दिस। 10 तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन लाइक दिस, हेड हमारा उधर प्रेशर देगा, हैंड इधर प्रेशर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद दोनों हैंड्स को बेटा ऐसे रखिए, हाथ हमारा आगे की तरफ प्रेशर और हेड प्रेशर पीछे की तरफ प्रेशर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, फिर बेटा ऐसे 1 2 3 4 लाइक दिस, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, इसके करने के बाद थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे करेंगे, फिर आगे जो है हेड को लगा के थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इससे आपको पता चलेगा हेड बेटा बहुत, आपको हेड में बहुत रिलैक्स मिलेगा। अब देखिए बेटा ये तो मैंने हैंड्स का मूवमेंट कर लिया, गर्दन का मूवमेंट हो गया आपके, फिर उसका थोड़ा सा हम लोग बेटा नॉर्मल पीटी वगैरह करेंगे। पैर को थोड़ा सा बेंड करना है और बेटा लुक दिस हैंड, 1 2 3 4 5 6, फिर चेंज, 1 2 3 4 5। ये हो गया बेटा, ऐसे क्रॉस हो गया। फिर बेटा हम लोग हाथ को यहाँ पे रखेंगे, कमर को यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा पेट का साइड की एक्सरसाइज करेंगे, 1 2 3 4 एंड अगेन 5 टाइम्स दिस, देन अगेन पुट हैंड लाइक दिस, 1 2 3 4 5। इतना करने के बाद बेटा थोड़ा सा हम लोग जंप करेंगे और हाई जंप होगा, कंटिन्यू जितना कर सकते हैं लाइक दिस। जितनी बार आप कर सकते हैं बेटा थोड़ा सा फिर जंप करेंगे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। फिर बेटा हम लोग थोड़े से जंप करेंगे, हैंड्स को ऐसे सीधे रखेंगे, 1 2 3, फिर अगेन क्रॉस, 1 2 3। इतने से बेटा आपकी पूरी बॉडी में जो भी थोड़ी सी शिथिलता आ गई होगी आप रिलैक्स फील करने लगेंगे। फिर बेटा मैं आपको थोड़े से एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जनरली आप लोग बैठे बैठे जो है गैस की प्रॉब्लम या बैक में पेन होने लगता है उसके लिए देखिए बेटा थोड़ा सा आपको लेट के कुछ एक्सरसाइज करने हैं। जैसे देखिए आप आराम से लेट जाइए, पूरा एकदम इत्मीनान से कुछ क्रंचेस कर सकते हैं,
वन टू थ्री फोर देन अगेन। ये बेटा देखिए पेट के लिए गैस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। वन टू थ्री, ये दो दो सेट आप कर सकते हैं, दस 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 के या पंद्रह पंद्रह के। फिर जो है बेटा इसमें देखिए पेट की तो बहुत एक्सरसाइज होती है, लेकिन ये एक्सरसाइज बेटा आप लोग जरूर करिए। जनरली जो है गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसको जो है आप जितना ज्यादा मोड़ सकते हो, ये जो घुटना है इसको कोशिश करिए आप अपने नाक से टच करने के लिए, इससे बेटा आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट में गैस बनता है वो कभी नहीं होगी। और इसके साथ एक्सरसाइज आप ये कर सकते हो, ये भी है बेटा सेम वही, इसको जो है बेटा खींच कर जितना ज्यादा आप नाक को इसे टच करा सकते हैं कराइए। देखिए ये एक, फिर इधर दो, तीन, तो ज्यादा नहीं बेटा, ये दो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं। फिर नॉर्मल फ्री रखने के लिए थोड़ा सा आप जो है पैर उठा करके हल्का 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 मूवमेंट करिए। फिर जैसे साइकिल चलाते हैं थोड़ी सी साइकिलिंग कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो है पैर को बेटा हल्का सा ऊपर नीचे चाहे तो आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, इससे बेटा थोड़ा सा मूवमेंट ये फ्री हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा नहीं बेटा, जो मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अब आपको बता रहा हूँ ना वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके बैक के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने हाथ को ऐसे रखिए और कमर को थोड़ा सा उठाइए, जितना ऊपर खींच सकते हैं इसको खींचिए, टेन तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन जाओ फर्दर। इससे बेटा आप यहां पे देखेंगे प्रेशर पड़ेगा, 10 तक रोकिए, फिर डाउन, फिर डाउन, कम से कम टोटल इसको 10 टाइम करिए। उसके बाद बेटा आप इसको चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, आप इसको ऐसे सो जाइए आराम से बिल्कुल, और उठिए फिर 10 तक काउंट, जितना खींच सकते हैं पीछे की तरफ खींचिए खींचिए, 10 सेकेंड रोकिए, फिर डाउन, फिर 10 सेकेंड रोकिए, फिर डाउन। ये दूसरा हो गया बेटा बैक के लिए। फिर थर्ड, ध्यान से देखेंगे इसको बेटा, पूरा आपको खींचना है इस तरह से, एकदम आसमान की तरफ देखना है, फिर डाउन, फिर बेटा देखिए खींचिए इसको पूरा पीछे, फिर डाउन, फिर खींचिए इसको। इतना करने के बाद ये आपके बैक में बेटा बैठने के बाद कभी पेन नहीं होगा। इतना दो तीन एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा आपको आगे हाथ रखना है, हाथ को ऊपर उठाइए, पैर को खींचिए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचिए लाइक दिस, थोड़ी देर होल्ड करिए, फिर रिलैक्स, फिर उठाइए बेटा इसको, फिर रिलैक्स। इसको भी बेटा आप 10 टाइम कर सकते हैं। फिर लास्ट में बेटा किसी को भी बोल देंगे, कोई भी होगा, यहां पीछे आपके दोनों पैर वो पकड़ लेगा, तो फिर बेटा 1 2 3 4 इस तरह से। इतने एक्सरसाइज करके बेटा हम लोग अपनी बॉडी को फिट कर लेंगे, और जब लास्ट में एक्सरसाइज हो जाते हैं फिर आप कुछ स्क्वायर करिए, स्क्वायर आप ये हैंड रख के 1 2 3 और सब कुछ जब हो जाए बेटा तो आराम से रिलैक्स होकर के आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको दोनों पैर ऐसे करके नॉर्मली आंख बंद करके एकदम रिलैक्स मोड हो करके आप अपने दोनों पैर को
रिलैक्स कर ले, इससे बॉडी रिलैक्स होती है। और जब सब कुछ रिलैक्स हो जाए तो पैर ऐसे फैलाकर नॉर्मली फिर आराम से आपको 10 सेकंड के लिए बैठ जाना है, एकदम चुपचाप, कुछ नहीं सुनना है, पिन ड्रॉप साइलेंट बैठना है। 10 सेकंड 30 सेकंड चुपचाप बैठिए, कुछ मत सोचिए। फिर आराम से खड़े होइए। खड़े होने के बाद जब भी आप जाते हैं तो थोड़ा सा हैंड को रोटेट करेंगे लाइक दिस, थोड़ा सा जंप करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, बॉडी पूरी तरह से बेटा रिलैक्स हो चुकी है। और इसके बाद बेटा आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपको बेटा मैंने कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताए हैं जो इस समय आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर माय स्टूडेंट जो इस समय नेट मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो दिस एक्सरसाइजेस रेगुलरली, योर बॉडी विल बी फ्री बेटा, आपका एकदम जैसे कहते हैं ना, हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। रिमेंबर ऑलवेज दिस स्लोगन बेटा, हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड, सो कीप हेल्दी एंड कीप हेल्दी माइंड। जस्ट डू लिटिल एक्सरसाइजेस, योर बॉडी विल बी फ्री और आपको बेटा थकान महसूस नहीं होगा, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खूब पढ़िए, खूब जम के बनिए, आपका सपना जरूर सच होगा, आपकी मुट्ठी आपके हाथों में आपका सपना होगा। सारी दुनिया को बेटा मुट्ठी में कर लो, लग जाओ, पूरी मेहनत के साथ लग जाओ, ईमानदारी को से लग जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम में कितना दम है। सूरी सर गुरुकुल पाठशाला, आई एम ऑलवेज विथ यू ऑन योर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म, ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।